यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय, आई एम एसपी सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक, किसी भी संख्या के वर्गमूल और घनमूल में अंकों की संख्या पता लगाने की शॉर्ट ट्रिक। आप केवल एक सेकेंड में बता सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या के घनमूल या वर्गमूल में कितने अंक हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ घनमूल और वर्गमूल लिखे हैं। यहाँ पर ये लिखे हैं घनमूल और ये लिखे हैं वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे ये हम केवल एक सेकंड में बता देंगे। तो इसके लिए आप जरा, मैं जो बताने जा रहा हूँ ट्रिक उसको जरा समझिएगा। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बनानी है तो वहाँ पेयर बनाने। देखिए ऐसे करके, ये पेयर कितने का पेयर बनाना है, दो दो के पेयर। देखा जहां कुछ बच जाता तो उसे एक पेयर माना जाएगा। यहां देखिए ऐसे वर्गमूल में कितने का पेयर बनाना, दो का पेयर। ऐसे देखिए, ये देखिए वर्गमूल में दो का पेयर बनाना और घनमूल में बनाना तीन का पेयर। देखो ये ऐसे जो लास्ट में बच जाएगा उसको एक पेयर माना जाएगा। ये देखो, समझ आ रहा है, वर्गमूल में दो का पेयर और घनमूल में तीन का पेयर। अगर आप पेयर ये बना लेते हैं तो केवल एक सेकंड में बता सकते हैं कि इसके घनमूल या वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। और जो ध्यान रखना कि पेयर जो बनाना है वो इस साइड से बनाना, यानी राइट से चालू करना लेफ्ट की ओर। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसमें कितने पेयर गिनिए, वन टू थ्री, तो कितने अंक हुए, एक दो तीन, कितने अंक हुए इसमें, तीन। अब यहां पर देखिए कितने पेयर है, दो, एक दो, तो कितने अंक हुए इसमें, दो। अब यहां पर देखिए कितने पेयर हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो कितने पेयर संख्या है इसमें, चार। अब यहां पर कितने पेयर, कितने, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब यहां देखिए एक दो तीन पेयर है तो संख्या कितनी हुई, एक दो तीन। बात समझ में आ गई। तो आप जो है किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो उसमें संख्या के पेयर बना के आप ये पता लगा सकते हैं कि उसके वर्गमूल में कितने अंक हैं। आप इसी तरह से घनमूल में, घनमूल में जो बनाया जाता है वो तीन अंकों का पेयर बनाया जाता है और इधर का अंक चाहे एक हो चाहे दो हो उसे एक पेयर माना जाता है। और हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं और तीन तीन अंकों का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने दो पेयर हैं, तो दो अंक आए, कितने पेयर बने, एक दो तीन। इसमें जो बनाना है पेयर, तीन का पेयर बनाना, ठीक है, एक दो तीन। इसमें देखो कितने, एक दो तीन चार पांच, तो देखो नो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। इसमें देखिए कितने, एक दो तीन चार, तो कहेंगे एक दो तीन चार, यानी चार अंक हो गए। इसमें कितने पेयर है, एक पेयर है तो एक ही अंक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हम कितनी बड़ी संख्या या कितनी छोटी संख्या हो उस संख्या के वर्गमूल या घनमूल में कितने अंक हैं ये केवल हम एक ही सेकेंड में पेयर द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके जो फ्रेंड हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच, जय हिंद।